वो लोग भी आगे जा रहे हैं यार। एंड गाइस देखो, मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूं, देखो जो भी लोग यार, एक टीम जीती एटलीस्ट उसके लिए तो खुश हो जाओ यार। एक टीम जीती एटलीस्ट उसके लिए तो खुश हो जाओ यार। तुम्हारे देश की टीम बाहर जाएगी तो तुम लोग चीयर करोगे या फिर ये सब चीजें बोलोगे? एक टीम जीती है तो उसके लिए तो खुश हो जाओ यार। एक पहला टूर्नामेंट गया है तुम लोग। भाई मैंने पिछले 1.5 साल जब तक गेम बैन थी, मैंने बाहर के टूर्नामेंट्स कास्ट किया, उनकी हर एक चीज पता है, कैसे उन्होंने अच्छा किया है, कैसे उन्होंने क्या 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 रोटेशंस होती हैं। अभी मैं मुंह जवानी तुम्हें सारी PMGC की टीम्स की ड्रॉप लोकेशंस बता सकता हूँ, उनकी रोटेशन बता सकता हूँ, कौन सी टीम फर्स्ट और सेकंड सर्कल में स्लो रोटेट करती है, कौन सी टीम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सर्कल में फास्ट रोटेट करती है। हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन जाएगी ना टीम्स को, कोशिश करेंगे। दिस इज द फर्स्ट टूर्नामेंट, सो एटलीस्ट उस चीज के लिए तुम लोग खुश हो सकते हो यार। एक यार रात रात को हम लोगों ने भी जाग के मेहनत करी है, इन लोगों से बात करते थे, कल पूरा रात बैठ करके हर एक प्लेयर से बात करी, स्पेसिफिकली सोमराज को कॉल किया, सब चीज़ों से बात करी, तो हर एक टीम से बातें करी हैं यार। एटलीस्ट इतना तो मत वो करो ना, ये मेहनत के दम पे आया यार। अगर तुम किसी और टीम को नहीं देखना चाहोगे ऊपर बढ़ते हुए, तो इंडियन BGMI ई-स्पोर्ट्स कैसे कैसे आगे बढ़ेगा खुद बताओ। जब तीन चार टीम्स होती हैं, तुम लोग, मैं मानता हूँ वो टीम्स बहुत अच्छा खेलती हैं, मैं मानता हूँ, बट और भी तो टीम्स हैं ना यार, जो कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, सब कर रही हैं, तो उनको भी तो उतना अप्रिसिएशन देना चाहिए ना। बट और भी तो टीम्स कोशिश कर रही हैं ना यार, वो कोशिश उन टीम्स की कोशिश के कारण है ना कि वो लोग भी आगे जा रहे हैं यार। सो जस्ट ट्राई टू हैव दैट अप्रिसिएशन, बिकॉज एट द एंड टीम, टू बी ऑनेस्ट, डिड रियली रियली गुड जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर खेला है। ब्लाइंड सेट इन स्लॉट एंड हार्ड वर्क पेज ऑफ वेल प्लेड चैंप्स, दे प्लेड रियली गुड टू बी ऑनेस्ट। इसके ये घर जाएगी, ये स्काईलाइट्स के बूट कैंप जाएगी।